हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाट, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कार्डिगन में फ्रंट पॉकेट बनाना बताऊंगी कि कार्डिगन में ये फ्रंट पॉकेट कैसे बनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये जो पॉकेट है ये बनाने में बहुत ही आसान है और बनने के बाद इसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है, बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं कि इसे कैसे बनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉकेट बनाने के लिए जो है हमें नीचे से जैसे हमने बॉर्डर बनाया है या जैसे हमने स्टार्टिंग से ही अपना कोई पैटर्न बनाया है वहां से हम इसे देखिए इस तरह से लेंगे और यहां तक हम पहले 9.5 इंच अपने, चाहे आप राइट साइड वाला पार्ट बना रही हो पहले, चाहे लेफ्ट वाला बना रही हो, कोई सा भी बना रही हो, तो सबसे पहले नीचे से लेकर जहां से फंदे रखे हैं और वहां तक 9.5 इंच बना लीजिएगा। अगर आप भी जो है शॉर्ट कार्डिगन बना रही हैं हिप से ऊपर तक का, तो 9 इंच बनाने के बाद पॉकेट का हमने ये कटाव बनाने का निशान बनाना होता है। और अगर आप जो है हिप से 2 इंच नीचे तक का कार्डिगन आपका है तो इसे यहां से लेकर और यहां तक 9.5 इंच बना लीजिएगा। और अगर आपका कार्डिगन जो है कोट टाइप बना रहे हैं, ज्यादा लॉन्ग बन रहा है, तो आप उसे 10 से 10.5 इंच बना लीजिएगा। तो मेरा जो ये कार्डिगन है फ्रेंड्स, ये हिप से 2 इंच नीचे तक मैंने इसको बनाया है, तो इसमें मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ रखी है 9.5 इंच। 9.5 इंच बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉकेट में हाथ डालने वाला ये जो हमारा कटाव होता है, इसके लिए हमें ये उल्टी उल्टी लाइनें बनानी होती है ताकि हमारी पॉकेट की लुक आए। तो इसके लिए हमने फंदे कैसे करने होते हैं यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पॉकेट के लिए सबसे कॉमन यही बात होती है। ये जो पट्टी के फंदे होते हैं, चाहे आप लेफ्ट वाला पार्ट बना रही हैं चाहे राइट वाला, पट्टी वाले 10 या 11 जो भी आपके फंदे उनको छोड़ देना। उनको छोड़ने के बाद यहाँ आपने 10 फंदे और छोड़ देने हैं। 10 फंदे छोड़ने के बाद फिर हमने उल्टे फंदे करने, चाहे आप कोई भी डिजाइन डाल रही हूँ आप यहाँ से उल्टी सिलाई बुनना शुरू कर देना। यहाँ पर मैंने 24 फंदे का ये जो है कट बनाया है, आप अपने हिसाब से 24, 25, 26, 28, 30 फंदे तक यहाँ पर आप रख सकती हैं। इससे ज्यादा मत करना फ्रेंड, ज्यादा चौड़ाई हो जाएगी। तो 24 में देखिए बहुत अच्छे से इसमें हाथ आ जाएगा। अगर आपको लगे कि ये कम है तो आप 26, 27, 28 और 30 तक कर सकती हैं। तो ये करने के बाद यहाँ पर अपने हिसाब से जितने फंदे बचेंगे इस साइड में, इस वाली साइड में, वो अपने आप रह जाएंगे। लेकिन आपने सबसे पहले यहाँ का ध्यान रखना, ये जो पट्टी है इस पट्टी के फंदे छोड़कर यहाँ पर आप 10 फंदे इसमें छोड़ करके फिर यहाँ से बंद करना शुरू करना है। एक बार तो हमारा पार्ट बनेगा तो पहले पट्टी वाली साइड से शुरू होगा और हमारा यहाँ पर आप आसानी से जो है 10 फंदे छोड़ के फिर से उल्टा बनना शुरू कर दोगे। लेकिन जब दूसरा पार्ट बनाओगे तो फ्रेंड्स हमारा इस साइड से सीधी साइड आनी शुरू होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये 10 फंदे और फिर 10 फंदे, आप कोई भी मार्क लगा लीजिएगा या फिर अपने गिन के आप जो है इसको याद कर लीजिएगा कि इतने फंदे हमने बीच में बुनने हैं। यहाँ पर मैंने देखे मेरे 12 फंदे बचे हैं यहाँ पर, तो ये 12 फंदे मैंने बुन लिए हैं। और उसके बाद आगे के देखिए 24 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 देखिए फ्रेंड्स, ये 24 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे कर लिए हैं, क्योंकि ये हमारा जो है पॉकेट का यहाँ पर जो हम कट बनाएंगे ये 24 फंदे का बनेगा। आपके आपने जितने रखने हो इस तरह से यहाँ पर अपना डिजाइन बना लेना और बीच वाले फंदे आप उल्टे कर लेना। अब देखिए ये जो आगे के 10 फंदे बचे, इनमें हमारा जिस हिसाब से आप जो भी पैटर्न बना रही होंगी आप अपना उसी हिसाब से उस पैटर्न को रखना, पैटर्न नहीं खराब होना चाहिए। तो मैं अपना ये डिजाइन इसमें उसी तरीके से सेट करूंगी जो मैंने इसमें बनाया हुआ है। और उल्टी सिलाई इसकी पूरी वही उसी हिसाब से आपने बनानी है, जो डिजाइन के हिसाब से बन रही है उसको डिजाइन के हिसाब से बनाना है। और ये जो हमने 24 फंदे लिए हैं इनको हम उल्टा ही बनाएंगे। इस तरह से करते हुए देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो है 5 सिलाई बनाई है और 6ठी सिलाई सीधी साइड से इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है।
उल्टी साइड से नहीं करना है, सीधी साइड की सिलाई से करेंगे तो देखिए जो ये चैन होती है बाइंड ऑफ करने वाली वो अंदर की तरफ चली जाएगी तो इसकी लुक प्यारी आएगी। तो फ्रेंड्स मैं इसकी जो है पहले ये 5 सिलाई बना लेती हूँ, छठी सिलाई पर इसको कैसे करना है वो आपको बताऊंगी। आप अपने हिसाब से रखिएगा फ्रेंड्स, 5 बनाइएगा, 4 बनाइएगा, 3 बनाइएगा, वो आप देख लीजिएगा आपको यहाँ पर कितनी लाइन चाहिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन की हुई है, तीसरी लाइन जो है मेरी बंद करने से ही आ गई है, तो मैं पहले ये कर लेती हूँ फिर आपको ये बंद करके फिर बताऊंगी। फ्रेंड्स अब कैसे करना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने 4 सिलाई ही बनाई है क्योंकि अगर मैं छठी सिलाई पर बाइंड ऑफ करती तो वो मेरी सीधी साइड चली जाती, क्योंकि पहली सिलाई जब हमने सीधी साइड से बनाई है तो छठी सिलाई उल्टी साइड जाती, तो हम क्या करेंगे 5वीं सिलाई पर ही ये फंदे जो 24 हमने लिए हैं इनको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो 2 लाइन तो मेरी आ गई है ये 4 सिलाई बनाने से, एक लाइन हमारी ये जो ऊपर की है ये जब हम सीधी साइड से फंदे बाइंड ऑफ करते हैं तो ये एक लाइन बन जाती है। देखिए कैसे करेंगे, ये वाले फंदे हम अपने जैसे डिजाइन हमने जो भी डाला हो आपने वो अपना डिजाइन बना लेना, और जो ये बीच के हमने उल्टे फंदे किए हैं इन्हें सीधी साइड से इस तरह से करेंगे। ये आपने ज्यादा टाइट हाथ से नहीं करने हैं और ना ही ज्यादा लूज करने हैं, इनको बिल्कुल नॉर्मल हाथ से आपने बाइंड ऑफ करना। देखिए इस तरह से 2 का एक करेंगे, ये वाला फंदा वापस इसी सिलाई पर डालेंगे और 2 फंदे का एक कर देंगे, फिर से इसी फंदे को वापस सिलाई पर ले लेंगे, एक ये वाला और एक आगे वाला, इनको लेकर के इस तरह से हम 2 का एक कर देंगे। इस तरह से आपने ये सारे फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। फ्रेंड्स बाइंड ऑफ करने का अगर आपका कोई और तरीका हो तो आप अपने हिसाब से भी कर सकती हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। देखिये फ्रेंड्स 2 हमारी ये थी और एक लाइन सीधी साइड से बाइंड ऑफ करने में ये आ गई है, और जो ये फंदे बंद करने वाली चैन होती है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, तो मैं ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमारे 24 फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं, यहाँ ये हमारे जो सिलाई वाली साइड के हैं, ये फंदे हमारे यहाँ रह गए हैं, इनको बुनते हुए यहाँ से गए तो यहाँ तक बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब देखिए ये पट्टी के फंदे रह गए हैं और ये डिजाइन के रह गए हैं, तो इनको मैं अपने डिजाइन के हिसाब से आगे बुन लेती हूँ। इसको देखिए हमने ऐसे ही करना है, ये जो हमारा फंदा इसको इसमें लेंगे और आगे जो आपका जैसे भी आपका डिजाइन हो उसको उसी तरीके से आपने बुन लेना है। देखिए फ्रेंड्स अब हमारे देखिए ये जो सिलाई वाली साइड है इसके फंदे रह गए हैं और ये पट्टी वाली साइड के यहाँ पर हमारे 10 फंदे ये और ये पट्टी के फंदे ये रह गए, और बीच के फंदे हमने इस तरह से ये बाइंड ऑफ कर दिए। अब इनको तो आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा, अब इस वाली पॉकेट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पॉकेट हमारी, अब यहाँ से हमने फंदे लिए हैं और ये हमारी बनती हुई यहाँ जा करके यहाँ दोबारा से जुड़ती है, जिससे हमारी ये देखिए पॉकेट ऐसे बनेगी। फ्रेंड्स ये हमारी पॉकेट बनेगी, तो अब इसमें फंदे कैसे उठाने हैं ये वाले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 24 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, तो अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 10 फंदे छोड़े थे और 10 फंदे छोड़ करके हमने 24 फंदे ये वाले यहाँ पर पॉकेट के बंद किए हैं, तो हम अपना यहीं से हिसाब लगाएं कि हमारे 10 फंदे कहाँ तक बनते हैं, यानी यहाँ तक बनते हैं। तो हम क्या करेंगे 2 फंदे इधर से उठाना स्टार्ट करेंगे, यानी 8 फंदे का यहाँ का हिसाब छोड़ करके आप इस तरह से इसमें फंदे उठा लीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। अगर आपने बॉर्डर बनाया होगा फ्रेंड्स तो बहुत आसान तरीका है कि बॉर्डर जहां आपका खत्म होता है ये वाला, वहीं से आप फंदे उठा सकती हैं। लेकिन अगर आपने बॉर्डर नहीं बनाया है, नीचे से ही कोई पैटर्न डालना शुरू किया है और ऊपर तक आपका एक ही पैटर्न जा रहा है, तब आप क्या करेंगी देखिएगा, इस तरह से हमने जो है ये हमारा 10 इंच बना है यहाँ पर, क्योंकि 9.5 इंच पे हमने ये उल्टी लाइन बनानी शुरू की थी, आधा इंच हमारा इस लाइन में बन गया है, तो पूरी लेंथ हमारी पॉकेट तक की 10 इंच है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स 5 इंच नीचे से छोड़ देंगे, चाहे आपने बॉर्डर बनाया होगा तो 5 इंच का वो, ये जैसे हमने ये बनाया तो 5 इंच का ही बना हुआ है, अगर बॉर्डर नहीं बनाया है तो भी आप नीचे से 5 इंच नीचे से छोड़ करके, और उसके बाद वहां से आप कोई मार्क लगा लीजिएगा कि हमारा यहाँ तक 5 इंच हो गया है, और फिर देखिए यहाँ से और यहाँ तक हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। इस तरह से आप सिलाई डालिएगा, देखिए इस तरह से 1, 2, ये बहुत ही आसान तरीका होता है फंदे लेने का फ्रेंड्स। देखिए 3, इस तरह से आप डालते जाइएगा,
और आप करके यहाँ से ऊपर अगर हमने 24 फंदे बंद किए हैं तो नीचे से फ्रेंड्स हम 28 फंदे उठाएंगे। जो पॉकेट के हमने ये वाले बंद किए हैं, दो इसके इस साइड से और दो इसकी इस साइड से और 24 बीच के, तो हम इसी तरीके से करते हुए फ्रेंड्स आपने पूरे ये 24 फंदे उठाने। देखिए एक बार फिर से दिखाती हूँ, एक दो और ये इस तरह से डालते जाइएगा, तीन चार पांच छः, इस तरह से आप ये फंदे उठा लीजिएगा ऐसे कर करके। तो मैं यहां से लेकर यहां तक अब हमारे 28 फंदे बनेंगे फ्रेंड्स, तो मैं अपने 28 फंदे यहां से इसी तरीके से उठा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसमें सिलाई डाल के फंदे उठा लेना, क्योंकि जितने फंदे देखिए हमारे इस साइड होते हैं, अगर हम नीचे जो इनके ये निशान आपको फंदे का दिखता है, अगर उनमें आप इस तरह से सिलाई डालेंगी तो उसी फंदे के नीचे से आपका फंदा उठेगा। तो इसमें आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, नहीं कुछ करना है। आपने एक एक करके इसी तरह से 24 ये बीच वाले, दो इधर से और दो इधर से, 28 फंदे मैंने ये उठा लिए हैं। उसके बाद क्या करना है, हम अपनी ऊन लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब अपनी ऊन लीजिएगा और यहां पर इसको ज्वाइंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका होता है, ना कोई झंझट होता है पॉकेट बनाने में और बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप यहां पर इसे पक्का करके धागे को बांध लीजिएगा। देखिए फ्रेंड धागा हमारा बंध चुका है। अब आपने क्या करना है, ये जो सिलाई है जो अंदर की तरफ इसका हिस्सा आएगा वो आपने सीधा करना है, और जो बाहर की तरफ जाएगा देखिएगा इस तरीके से, ये हमने उल्टा करना है, और ये हिस्सा हमारा अंदर की तरफ जो पॉकेट में जाएगा वो हमने सीधा करना है। ये हमने उल्टी और सीधी सिलाई बनानी है। तो ये हमारी देखिए, हमने अगर इस साइड से फंदे उठाए होते तो उस तरफ से हमारी पहली सिलाई बनती, तो हमने इस साइड से उठाना शुरू किया है, तो ये हमारी अंदर की तरफ की पहली सीधी सिलाई बन गई है। किसी तरफ से भी आप इसको फंदे उठा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपका जहां से जिस साइड से आपका मन करे उस साइड से उठाना शुरू कीजिएगा, चाहे उधर से चाहे इधर से, और ये सारे फंदे इस तरह से एक एक करके आप इन्हें सीधा बनाइएगा। देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से आपने इनको सीधा बुनना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से फंदे उठाए थे तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, और इस साइड से हमारी सीधी लाइन आएगी। एक एक करके आप इन्हें थोड़ा आराम से बुनिएगा, ज्यादा धागा ना खींचे नीचे वाला, आराम से ही ये सिलाई हमारी बुननी होती है, क्योंकि अगर ज्यादा हम धागा नीचे से खींच लेंगे तो अंदर के जो हमारा पैटर्न होता है उसमें दिक्कत हो जाती है। तो आप इनको बिल्कुल आराम से ही बुनिएगा। ये देखिए पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसकी लेंथ जो है उल्टी और सीधी, बस ये ध्यान रखना है जो ये वाला पार्ट इसका आएगा अंदर की तरफ ये जाएगा, यहाँ सीधा आना चाहिए, और ये जो ऊपर आएगा ये उल्टा आना चाहिए। तो इनकी लेंथ अब जो है उल्टी और सीधी सिलाई यहां तक हमने कंप्लीट कर लेनी है, जहां तक अब हमारी ये लेंथ बनी हुई है। तो फ्रेंड्स अब इसी तरह से मैं इसकी जो है उल्टी और सीधी सिलाई से इसकी पॉकेट की पूरी लंबाई करके इसको आगे इसमें कैसे जोड़ना है वो आपको बताऊंगी। तो पहले मैं इसकी ये इस तरह से उल्टी और सीधी सिलाइयों से ये लंबाई पूरी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये जो पॉकेट है इसकी हमारी, यहाँ से हमने फंदे उठाकर बुनना शुरू किया तो ये लेंथ अब पूरी हो चुकी है। ये देखिएगा इस तरीके से, ये जो सीधा हिस्सा है ये इस तरफ जाना चाहिए और ये जो उल्टा हिस्सा है ये ऐसे बाहर की तरफ आना चाहिए, तो पॉकेट हमारी बहुत सफाई से बनेगी। इसकी लंबाई का नाप कैसे रखना एक बार आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये यहाँ से नापिएगा, जो फंदे हमने बाइंड ऑफ किए हैं ये वाले बीच वाले, हाँ इस पॉकेट की हमने यहां से लेंथ रखनी है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स ये ऐसे, जब एक सिलाई आपकी कम रह जाए, ये जो बंद किए हुए फंदे हैं इनसे एक सिलाई आपकी कम रहनी चाहिए, तब आपने ये पॉकेट बनानी बंद कर देनी है। तो देखिएगा ऐसे नाप लीजिएगा, अब हमारी एक ही सिलाई की कमी है ये पूर्ण यहां तक होने में। अब हमने इसको इसमें जोड़ना है, कैसे जोड़ना है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये फंदे मैंने तो फ्रेंड्स बुन लिए हैं अपने, ये वाले जो पट्टी वाले फंदे हैं ये देखिएगा इस तरह से, ये जो आपके पट्टी वाले फंदे हों और ये जो हमने यहाँ पर 10 फंदे लिए थे उनमें से 8 फंदे अपने डिजाइन के हिसाब से यहाँ तक बुन लेना।
अब हमने ये जो पॉकेट है यहाँ पर एड करनी है इसके अंदर, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हमने 24 फंदे बाइंड ऑफ किए थे और 28 फंदे से ये पॉकेट बनाई है, यानी दो फंदे इधर से ज्यादा और दो इधर से। अब ये दो फंदे हमने यहाँ जोड़ने हैं। कैसे जोड़ने हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बुनने के बाद हमारे ये दो फंदे इसमें रह गए हैं। अब इन दोनों सिलाइयों को पहले ऐसे मिला लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ मिलाने के बाद अब आपने देखिए ये जो आपका धागा है और एक फंदा इसका और एक इसका, इस वाले फंदे को पहले आप जो आपकी पॉकेट वाला फंदा है उसको इस सिलाई में आगे डाल दीजिएगा ऐसे। और देखिए क्योंकि इसमें धागा है तो इसको थोड़ा टाइट पकड़ लीजिएगा। और ये पॉकेट वाला फंदा और एक इस सिलाई वाला फंदा, देखिए इस तरीके से एक और ये इससे आगे वाला ये वाला, इन दोनों का आपने एक फंदा बुनना है। इसको आप बिल्कुल खींच के रखिएगा ताकि यहाँ पर जो है लूज ना हो, ये बहुत सफाई से जुड़े। और इन दो फंदे का आप एक फंदा कर देना और इसे आप सिलाई से निकाल दीजिएगा इस फंदे को। अब इसमें आपका एक फंदा रह गया है, इस धागे को टाइट खींचिएगा और इसको भी टाइट। अब इस पॉकेट वाले में से एक फंदा और लीजिएगा और इस सिलाई में आगे डाल दीजिएगा। और देखिए इन दोनों का अब आपको इसी तरीके से एक फंदा बन देना है। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उसी धागे से बुनिएगा जिसे आपने पहला बुना है। एक को छोड़ दीजिएगा, इनको ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ देखिए ये हमारी पॉकेट यहाँ पर बहुत सफाई से ऐड हो चुकी है। जब नेक्स्ट सिलाई में आएंगे तब इस धागे को काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे क्योंकि हमने एक सिलाई कम बुनी थी इसकी, तो अब हम इसको बुन लेंगे। दूसरा फ्रेंड्स, ये पॉकेट ऐड करते टाइम आपने ये देखना है कि आपने अपने पैटर्न को कहाँ पर छोड़ा है। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो पैटर्न जो भी आप इसमें डाल रहे हो वो वहां पर उसका लास्ट सिलाई पर सीधी साइड पर एंड होता हो या उल्टी सिलाई पर एंड होता हो, और उसकी ये जोड़ने के बाद नेक्स्ट सिलाई से नया पोर्शन उसका शुरू होता हो, क्योंकि हमने 24 फंदे बंद किए तो 24 ही हमारे यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो मेरा ये उल्टी साइड से ये पैटर्न नए सिरे से शुरू हो जाएगा। तो आपने जो भी डिजाइन डाला हो और जिस भी डिजाइन में आप ये पॉकेट इस तरह से बना रही हो, तो ये ध्यान आपने जरूर रखना है कि आपकी जो यहाँ पर ये आप फंदे बंद करते हो जिस सिलाई पर, यहाँ पर जोड़ते टाइम एक या दो सिलाई का ही आपका पैटर्न बचा हो पूरा होने पर, और नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न शुरू होता है उस सिलाई से शुरू होता हो। तो जब हम इस फंदे को बीच वाले को लेंगे इसमें, तो हमारा ये पैटर्न साथ के साथ शुरू हो जाएगा। तो देखिए मैं कैसे करूंगी, ये हमारे जो बीच के 24 फंदे हैं इन्हें मैं उल्टा ही बुन लूंगी क्योंकि मैं उल्टी साइड से जोड़ रही हूँ। और दूसरे पार्ट में फ्रेंड्स हमारा अगर सीधी साइड से जुड़ेगा तो वो सिलाई हमारी सीधी बन जाएगी क्योंकि मैंने इसमें एक सिलाई कम बनाई थी, इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे। अब देखिएगा ये दो फंदे हमारे इस पॉकेट के रह गए हैं, बाकी बन गए हैं। अब जो ये वाला पार्ट रह गया हमारा इधर वाला सिलाई वाली साइड का, इसे लेंगे और देखिए कैसे करेंगे। इस फंदे को इसमें डालेंगे यहां पर और इसके साथ लेते हुए दो का एक कर देंगे। अब इस फंदे को भी हम यहां डालेंगे, अब एक सिलाई बिल्कुल हटा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे डिजाइन के हिसाब से ये मैं यहाँ पर ये जो हमारे धागे चढ़े हुए हैं मैंने यहाँ तीन का एक करना है, तो मैं अपने डिजाइन को यहाँ पर खराब नहीं होने दूंगी, इस फंदे को इसके साथ लूंगी और अपने डिजाइन को उसी तरीके से बुन लूंगी जैसे मैंने इसको बनाना है। अगर आपका भी पैटर्न इसी तरह होता हो तो फ्रेंड्स उसको इसमें ऐड कर लीजिएगा और इन फंदों को आगे के बुन लीजिएगा। ये हम अपनी पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे जैसे हमारा डिजाइन इसमें बना हुआ है। आप अपना देख लीजिएगा कि आपने कौन सा डिजाइन बनाया हुआ है। ये मेरी सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हमारी पॉकेट भी इसके अंदर ऐड हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करना होता है, ये हमारी यहाँ पर पॉकेट ऐड हो गई है, आप देख लीजिएगा यहां से और यहां से। आप देखिएगा दो फंदे इधर अंदर गई और दो इधर गई। उसके बाद देखिए हम इधर से देखेंगे यहां से, इसको आपने यहां से और यहां तक सुई से सील देना है बिल्कुल बारीक बारीक टाके लगा करके, यहां से यहां तक इसकी सिलाई कर देनी है।
अब देखिए फ्रेंड्स, मेरा इस सीधी सिलाई पर यह डिजाइन कंप्लीट होगा और उल्टी सिलाई से नए सिरे से मेरा पैटर्न शुरू होगा। आपको इसमें पैटर्न देखिए सेट करके ही दिखाऊंगी, पहले मैं इसकी सीधी सिलाई बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी आपने ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ तो देखिए ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ हमने इस सिलाई में कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरा ये पैटर्न उल्टी साइड से शुरू होता है। अगर आपका सीधी साइड से शुरू होता हो और उल्टी साइड पे आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया हो, तो आप ये सीधी सिलाई बुनते टाइम जो आपका पैटर्न चलता आ रहा है उन्हीं फंदे, क्योंकि हमने फंदे तो वही बंद किए थे 24 और 24 इसमें लिया है, तो ये बीच वाला पैटर्न उसमें बिल्कुल यूं का यूं जैसे था वैसे ही सेट हो जाएगा। अगर बाई चांस आपका पैटर्न उल्टी साइड से आपने पॉकेट जोड़ी है और जब आप सीधी सिलाई बुन रहे हो, सीधी पे आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया है, तो ये जो फंदे हैं आप इन्हें सीधा ही बुन लीजिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ डिजाइन में कुछ करेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये फंदे देखिए मैंने बीच के 24 पहले सीधे बुन लेती हूँ। इसी तरीके से आपने करना है, आपकी ये पॉकेट बहुत अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां तक हमारे 24 फंदे बनते हैं। इस तरीके से आप इनको सीधा बुन लेना और अगली सिलाई से हमारा ये पैटर्न शुरू होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब कैसे करेंगे, ये जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इन्हें हम अपने पट्टी के हिसाब से ही बुनेंगे। अगर आपने उल्टे उल्टे फंदे की ली है तो उल्टे उल्टे बना लीजिए, और बॉर्डर बनाया तो बॉर्डर। देखिए फ्रेंड्स, पट्टी के फंदे हमारे बन गए हैं। अब मेरा उल्टी सिलाई से पैटर्न शुरू होगा। देखिए कैसे करना होता, जैसे मेरा डिजाइन है, ये डिजाइन हमारा ऐसे ही बनता है। ये फंदा हमने सीधा बनाया, धागा आगे किया, ये फंदा उतार के इसके ऊपर से हम इस तरह से ले जाएंगे, अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे। देखिए ये हमारा पैटर्न इसके अंदर बिल्कुल सेट हो रहा है जैसा था। ये फंदा हम उतारेंगे और इसे हम सीधा बना देंगे। अब ये फंदे हमारे पॉकेट वाले शुरू हो गए हैं, तो पॉकेट वाले फंदे से देखिए अब हमने कैसे करना है। ये हमने इसके ऊपर धागा चढ़ाया, यहाँ हमारे तीन फंदे बने सीधे, तो हमने तीन सीधे बनाए। ये जो फ्रेंड्स आपका धागा होता है यहाँ पर सेकंड वाला, इसके आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसे काट करके फ्रेंड्स इस वाले धागे को इधर करके यहाँ पर टाइट बांध दीजिएगा, या इसे थोड़ा सा लंबा करके इस तरह से जैसे मैंने ये लंबा काट दिया है, इससे मैं इस पॉकेट की सिलाई कर दूंगी, तो मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ पर ये आ गया, तीन फंदे डिजाइन के आगे हैं। फिर मैं अपने उसी हिसाब से जैसे हमारा देखिए एक दो और ये तीन धागा आगे करूंगी, एक फंदा बिना बुनाए उतारा और देखिए इसके ऊपर से ऐसे ले जाऊंगी। जो मेरा डिजाइन था सेम देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही सेट हो जाएगा। सीधी साइड से जब ये डिजाइन जो है इसका एक ये डिब्बी बन जाएगी, तब आपको बना करके दिखाऊंगी कि देखिए उसके अंदर जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर आ जाएगा। तो चलिए इसे पहले इसी तरीके से बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो डिजाइन ये छोड़ा था वो हमारा वापस यहाँ से शुरू हो गया है। आपको ये पॉकेट बनाने के लिए फ्रेंड्स सिर्फ यही ध्यान रखना है, जब आप इस पॉकेट की इतनी लेंथ करके ये पॉकेट का ये वाला उल्टी उल्टी सिलाई का आप ये निशान बनाओगे, तब आपने ध्यान रखना है कि हम कहाँ से इसको शुरू करें, कि हमारी चार या पांच सिलाई जब बनके हम इसको बाइंड ऑफ करें तो जो पैटर्न हमारा साथ साथ चल रहा हो वो एक या दो सिलाई पर ही खत्म होने वाला हो, उसके बाद उसका नेक्स्ट पोर्शन शुरू होता हो। आप इसमें अगर आपका जो है एक या दो सिलाई आपको यहां से इसकी लेंथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि 9.5 इंच नाप लीजिएगा, 9 इंच नाप लीजिएगा, जो आप यहां से नाप रखोगे ना ये वाला, तो उसमें आप एक या दो सिलाई ज्यादा कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं, क्योंकि हमने अपने पैटर्न को भी ऊपर उसमें ऐड करना है। आपको ये इसमें बहुत ध्यान रखना है, तभी आपका ये सफाई से बन पाएगा। फ्रेंड्स आप अपने इस तरह से ये फ्रंट वाली पॉकेट बनाइएगा और बना करके देखिएगा कि आपकी कितनी प्यारी सी पॉकेट लगेगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।